चलिए खबरों में आगे बढ़ते, बात करेंगे राजधानी पटना के न्यू गार्डनर रोड अस्पताल में भी टीका उत्सव को लेकर खास तैयारी की गई है। पूरे अस्पताल को गुब्बारों से सजाया गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस टीका उत्सव को लेकर एक अलग से काउंटर बनाया गया है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार दे रहे हैं। बिहार में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही रफ्तार से लोग वैक्सीनेशन के लिए भी वैक्सीनेशन केंद्र पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त राजधानी पटना के मशहूर न्यू गार्डनर रोड अस्पताल में हैं, जहां पे लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में आज थोड़ी भीड़ कम है और ये एक राहत की बात है। ये जो अस्पताल है, यहाँ पे आज चूँकि टीका उत्सव की शुरुआत भी पूरे भारत में आज से हुई है और आज इसका पहला दिन है, लिहाजा यहाँ पे जो है गुब्बारे लगाए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो कोरोना का टीका लगाएं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात जो है, टीका लगाने के बाद जो है, अपने घर के लौटे। यहाँ पे जो अस्पताल है वहाँ पे 3 जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। 2 यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे वहाँ भी वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसके बाद जब उनका पंजीकरण हो जाता है उसके बाद वो अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो फिर वो टीका लगाते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक जो है सुबह 9 बजे से लेकर अब तक जो है 119 लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन हो चुका है। ये जो कुछ लोग हैं यहाँ पे, बताइए सर, एक मिनट रहा, आप ये बताइए कि आज जो है अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है? सर अभी तो मात्र 100 हुआ है, सुबह से खुलने पे मात्र 100 आदमी को लगभग हुआ है। यहाँ पे और क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पे देखिए, जो टीका सप्ताह चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे, 11 से 14 तक टीका सप्ताह चल रहा है, तो इसमें जो है लोग को टीका ज्यादा से ज्यादा पड़ रहे, उसके लिए आकर्षित करने के लिए इसको डेकोरेट किया गया है, ज्यादा कुर्सियां लगाई हैं, 4 काउंटर लगाया गया है कि मतलब भीड़ कम हो। और आज यहाँ पे काउंटर बढ़ा दिए गए हैं, ये है आपने लगा लिया कोरोना? जी। ये बताइए कि कितना देर लगा आपको यहाँ पे? ठीक, बस आधा घंटा पहले आए हैं, हो गया आधे घंटे में आपका टीका। हाँ, ये पहला डोज था आपका? हाँ, ये पहला डोज था। मोबाइल पे आपने कराया था या फिर? मोबाइल पर रजिस्टर्ड कराया था। मोबाइल पे रजिस्टर्ड कराया था। यस। उत्साह दिखा जा रहा है, लोग आ रहे हैं और टीका लगाकर जा रहे हैं। तो आज जो टीका उत्सव उसका पहला दिन है और पटना के जो अस्पतालों में जो खबर आ रही है वहाँ पे अमूमन जो है कुछ बेहतर तस्वीर लोगों को सामने नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया पटना। आज से देश में वैक्सीन उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। बिहार में भी इसकी शुरुआत की गई और इसी कड़ी में राजधानी पटना में भी वैक्सीन उत्सव की शुरुआत की गई। सुबह से ही वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इस दौरान लोग सेंटर पर व्यवस्था से नाखुश नजर आए। लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए 9 बजे बुलवाया गया, लेकिन उस समय तक काउंटर बंद था। प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो और आज से वैक्सीनेशन उत्सव की भी शुरुआत की जा रही है और 14 तारीख तक ये उत्सव चलेगी। इस वक्त हम लोग पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल में हैं और वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और पब्लिक अवेयर है, पब्लिक को पता है कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और पब्लिक के वैक्सीन सेंटर पर पहुँच रही है। बड़ी तादाद में लोग सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। एक जो छोटी सी बात यह है कि जब आप वैक्सीन उत्सव कर रहे हैं, जब आपने पूरा गाइडलाइन बना लिया है इसके लिए और आप वैक्सीन उत्सव कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुबह से शुरू होनी चाहिए थी। अगर 7 बजे से शुरू होती, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और ऐसे में परेशानी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा परेशानी लोगों की बढ़ जाएगी, तो ऐसे में अगर सुबह से वैक्सीन देने का काम शुरू होता तो लोगों को काफी राहत होती। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग आकर इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और चूंकि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है तो ऐसे में जब पूरे राज्य में विशेष परिस्थिति है तो विशेष परिस्थिति में वैक्सीन का काम भी और तेज पहले होना चाहिए था। कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं, सर आपको क्या लगता है कि वैक्सीन सुबह ही लगना चाहिए था? सुबह अगर लगता तो ज्यादा बेहतर रहता है। 9 बजे से 12 बजे तक होगा। 9 बजे से 12 बजे तक का समय दिया है। हाँ, ऑनलाइन में। आरोग्य सेतु ऐप से हमने रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें था 9 बजे से मैंने शुरू होगा फोरनून वाला। बहुत हैरत की बात है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की थी, जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका कहना है कि 9 बजे से शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक शुरुआत नहीं हो पाई है वैक्सीन की। ये पब्लिक की परेशानी है और इसे गवर्नमेंट को समझना होगा।